बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इटावा में करीब 200 लोगों के धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आरोपी के मुताबिक मुफ्त इलाज और पैसे का लालच देकर 200 लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। विगत कुछ दिनों से ये एक विशिष्ट धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहा था, लोगों को उस धर्म की प्रार्थनाओं में बुलवाता था और उन्हें प्रलोभन भी देता था और उनको प्रेरित करता था कि अपना जो मूल धर्म है उसे छोड़ के उस विशेष धर्म में ये लोग जाएं। इसकी शिकायत पे इसके विरुद्ध प्राथमिक रूप से जो एविडेंसेस कलेक्ट की गई हैं पुलिस के द्वारा, उसके आधार पे इसे दोषी मानते हुए जेल भेजा गया है। इसमें विवेचना प्रचलित है, कुछ और लोग भी अगर इसमें प्रकाश में आते हैं या उस तरह के साक्ष्य मिलते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।